लॉकडाउन के दूसरे चरण में महेवा मछली मंडी में छिटपुट बिक्री देखने को मिली। इस संबंध में मत्स्य व्यापार कल्याण संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र सानी ने बताया कि मंडी में जो लोग सब्जी लेने आते हैं वही व्यक्ति मछली मंडी में भी आते हैं। उन लोगों को कुछ मछली बेची जाती है, मंडी में बिल्कुल बिक्री नहीं है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मछली बेचने की छूट दी गई है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को 200 पास जारी करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम सदर से मिलने के लिए कहा। हम लोगों ने एसडीएम सदर से मुलाकात किया। एसडीएम सदर ने हम लोगों से रोडमैप मांगा और आज व्यापारियों के साथ बैठक करके रोडमैप बना दिया जाएगा। बुधवार को एसडीएम को रोडमैप सौंपा जाएगा। आगे जैसा भी आदेश प्रशासन के द्वारा आएगा हम लोग उसको मानते हुए कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मछली विक्रेता मोहम्मद नसीम मोहम्मद अकरम मत्स्य व्यापार कल्याण संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र सानी ने कहा। ₹70 किलो बिक रहा है। मोहम्मद नसीम सर पैकार बहुत कम आ रहे हैं मछली खरीदने वाले। मछली खरीदने वाले अगर छूट मिल जाए उन लोगों को, परमिशन मिल गए तो बिक्री थोड़ा बढ़ जाएगी। व्यापारी मछली खरीदारी को लेकर इस समय से क्या ग्राहकों की बहुत कम आ रहे हैं सर। अभी कितना लगभग परसेंटेज? कम से कम एक परसेंट 2% आ रहे हैं सर। मोहम्मद अकरम अभी तो कुछ वही जो पैकार सब्जी लेके आते हैं वही एक डिब्बा लेके चले जाते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई आर्डर हुआ नहीं। पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, आगे बगैर गेट पास के आने नहीं देते हैं। इतना व्यापारियों का गेट पास बन जाए ताकि व्यापारी अंदर आके अपना माल ले जा सके। गजेंद्र साहनी देखिए, हम लोग 18 तारीख को गाइडलाइन जारी करने के लिए डीएम साहब को अप्लीकेशन दिए थे। उन्होंने एसडीएम सदर को सौंप दिया कि आप उनसे मिलिए। कल हम लोग 20 तारीख को उनसे मिले हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि कैसे होगा, भीड़ लगेगा। तो हम लोग आश्वासन दिए उनको कि भीड़ हमारे यहाँ नहीं लगेगी, हमारी मंडी बहुत बड़ी है और 50-100 लोगों अगर इकट्ठा होते हैं आड़तदार या जो है थोक के व्यापारी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने फिर भी कहे कि जो है मतलब कि आप जो है मतलब कि बताइए कैसे डिलीवरी करेंगे, होम डिलीवरी कीजिए। तो होम डिलीवरी तो हम लोग जो है दरवाजे जाकर होम डिलीवरी हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के पास छोटी गाड़ियां हैं जिसका परमिशन जो है हम लोगों को दे दें, 10-15 के संख्या में। हम लोग तो 50 कहे थे लेकिन 10-15 की संख्या में दे दें कि हम लोग जो है ऑन रोड जहाँ देना है हम लोग एक एक ट्रे करके लोगों को दे दें, एक एक पेटी जो है जो वो लेकर गांव वगैरह में फुटकर में वो जो है दरवाजे बेचेगा जो बेचने वाला। यहाँ मंडी में भीड़ नहीं होगी ये आश्वासन हम उनको दिए। तो बोले कि रोड मैप बना कर आप दीजिए, तो रोड मैप बना कर देने के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं आपस में। हम लोग रोड मैप बना कर उनको दे रहे हैं, अब आगे क्या निर्णय लेते हैं प्रशासन। लेकिन जो है जो गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है उसमें जो है मछली को बेचने की छूट है, लेकिन यहाँ कोई रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल नहीं रहा है लोकल प्रशासन द्वारा। जो अभी सर कुछ लोग यहाँ फुटकर मछली खरीद के ले जा रहे हैं जी, इसके संबंध में क्या कहना है? ये लोग कहाँ होम डिलीवरी करेंगे, कहाँ ले जाते हैं? देखिए यहाँ जो है मतलब कि अभी जो है बहुत कम मात्रा में मतलब कुछ लोग जो है जो मतलब कि सब्जी खरीदने आ रहे हैं वो मछली लेकर चले जा रहे हैं सब्जी के साथ जो है, वही 2-4 पेटी 10 पेटी जो है बिक रहा है। नहीं तो मछली हम लोगों का ताज़ी मछली आकर खड़ी है गाड़ी। इस समय स्थिति क्या मछली मंडी में? मछली मंडी में अभी कोई बिक्री नहीं है चूँकि छूट नहीं है। तो हम लोगों की ताज़ी गाड़ी आई है, जो पहले की गाड़ी तो निकल गई है, ताज़ी गाड़ी भी आई है वो भी जो है मतलब कि नहीं बिक रही है। और ये भी अगर 2-4 दिन मौका हम लोगों को नहीं दिया गया तो फिर हमारी मछली ये भी ख़राब हो जाएगी।